कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मैदान में उतर गए हैं। रणदीप सुरजेवाला के आने से कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव अब रोचक होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में जिस प्रकार भाजपा की टिकट पर नवीन जिंदल के मैदान में आने से लगने लगा था कि नवीन जिंदल आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अब चुनाव पलटता हुआ नजर आने लगा है। रणदीप सुरजेवाला की टीम लगातार मैदान में उतरकर सुशील गुप्ता के लिए वोट मांग रही है। शुक्रवार को रणदीप सुरजेवाला ने गांव पांडला, मानस, कड़ी, छौथ, फ्रांसवाला, बालकुवाली, गामड़ी, माघो माजरी आदि का दौरा किया और लोगों से सुशील गुप्ता को जिताने की अपील की। देखें गांव मानस में रणदीप सुरजेवाला ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। ये चुनाव देश का, लोकसभा का ये चुनाव, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नहीं, ये चुनाव अब पार्टियों के बीच नहीं रहा, ये चुनाव अब व्यक्तियों के बीच भी नहीं रहा। आप कहोगे बेटा फिर ये क्या, ये चुनाव अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई बन गई है। रणदीप की ये बात याद रखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहा करता हूं जो बात कहता हूं, ये चुनाव आपकी अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई है। फसल जो 36 बिरादरी किसान और खेत मजदूर, किसान और वाल्मीकि, रविदासिया, बैकवर्ड, कंधे से कंधा लगा के, पेट और पेट एक करके धरती से सोना पैदा करता है, उस फसल को बचाने की, और ये जो नौजवान खड़े बैठे इस नस्ल को बचाने की। हम क्या मांगने गए थे दिल्ली, हम नरेंद्र मोदी से किले मांगने नहीं गए थे, जमीन नहीं मांगने गए थे, हम रुपये मांगने भी नहीं गए थे, हम लाल किले पर कब्जा करने भी नहीं गए थे, हम दिल्ली पे कब्जा करने भी नहीं गए थे। किसान केवल हिंदुस्तान की सरकार से, बीजेपी की सरकार से न्याय मांगने गया था, ये कहने गया था कि हमें अपने खेत और खलिहान में, हम अपने गांव में गुलाम मत बनाओ कंपनियों का। बस जो बाप दादा, परदादा, बड़े बूढ़ों ने ये गांव, खेत, खलिहान बसाए, जिन पे 36 बिरादरी की रोजी रोटी चलती है, इनको बेचकर कंपनियों के गुलाम मत बनाओ, हमें बस इतना ही कहने गए। और जब जींस लेकर जाए मंडी में तो जो रेट सरकार निर्धारण कर दे, गलत या ठीक, वो रेट हमें मिल जाए, हमें उससे कम में अपनी फसल बेचनी ना पड़े, इससे ज्यादा हम कुछ कहने नहीं गए। दुष्यंत चौटाला ने, नरेंद्र मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, रोड़े अटका दिए, खाइयां खोद दी, बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गाड़ दिए और इतने इतने बाले लगा दिए कि कोई निकले तो मर जाए। और हमारे वो बच्चे जिनको हमने पुलिस, पैरामिलिट्री और फौज में भर्ती किया, जो हमारे खून का अंश है, उनकी बंदूकों की संगीन और बंदूकों की नाड़ी हमारी छातियों की तरफ कर दी और उनको हुक्म दे दिया, अगर ये एक कदम भी आगे बढ़े तो इनको गोली से उड़ा देना। और बीजेपी के लीडर क्या कहा करते थे, मैं आपका बेटा आज आपको कहता हूं, याद दिलाने आया हूं, जो अपने सरदार भाई जो दाढ़ी मूछ रखते हैं, पगड़ी बांधते, उनको बोले ये खालिस्तानी, मेरे जैसे जो दाढ़ी बना लेते हैं या छोटी दाढ़ी रखते हैं आप जैसे, उनको बोले देशद्रोही है, ये नक्सलवादी है, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये मवाली हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि मजदूर यानी गरीब, रविदासिया, वाल्मीकि और किसान, ये आलसी है इसलिए खाली बैठा है। 365 जमा 15, 380 दिन वहां किसान बैठा रहा, मजदूर बैठा रहा, 700 किसान शहीद हो गए, हर दिन 2 लाश शहीदों की किसी ना किसी गांव में वापिस आती थी, किसी ना किसी बहन का सिंदूर उजड़ता था, किसी ना किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठता था, दिल्ली के हुक्मरान ने अपनी बात नहीं सुनी, अपनी बात सुनी नहीं। और आज भी, आज
के दिन भी एमएसपी का कानून लागू नहीं हुआ, आज के दिन भी लागू नहीं हुआ, और वो तीन काले कानून चोर दरवाजे से वापिस आने लग रहे हैं। पता करना है तो पड़ोस में डांड मंडी है, जाकर पता कर लीजिए। डांड मंडी पर इस सीजन में अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ताड़ा मार दिया, बारदाना नहीं दिया। मंडी के अंदर किसान जींस नहीं बेच सकता, सारी जींस अडानी के डांड वाले सीलों में बेच के, साइलों के अंदर बेच के आनी पड़ती है। और कुंडरी मंडी के अंदर आधा बारदाना है। अब की बार जो कणक में अपनी दुर्गति हुई आप खुद जानते हैं। नमस्कार सर। रणदीप का जब राज था, कांग्रेस पार्टी का जब राज था, इस बात का मैं कश्मीर आपका आपका जामन गवाह हूँ। मैं 72 घंटे के अंदर सारी फसल उठवा देता था मंडी में। 15 दिन देरी के ऊपर आज जमींदार पड़ा रहा, गरीब पड़ा रहा, फसल खराब होती रही, परंतु फसल उठाई नहीं। आज के दिन भी सारे परचेज सेंटरों से कणक नहीं उठी है। आज के दिन भी, आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, अब तो अगली पौध लगने शुरू होगी तो भी नहीं। और आज जब आप प्योध लेने जाते हो, 7501 की प्योध के 3 किलो मिलती है 2 दिन खड़े होके। हमारी माता, हमारी बहन, हमारे बूढ़े गर्मी में 42, 43, 44, 45 डिग्री के अंदर खड़े हैं, पढ़ने लिए सर पे ऐसे बांधे, और उसके बाद एक आधार कार्ड दिखाकर 3 किलो प्योध देने लग रहे हैं, बीज देने लग रहे हैं। वो भी नहीं, वो भी पंडित जी जो है उसके में कितनी प्योध लगेगी, 1 किले की प्योध लगेगी, 3 किले बीज। मैं वही कह रहा हूं, हाँ 3600 रुपए ब्लैक के दे दो अभी मिल जाएगी, फिर घर आ जाएगी 3600 रुपए ब्लैक के दे दो। इसलिए ये अगली फसल को बचाने की लड़ाई है। रणदीप बावड़ा नहीं है जो आपको ऐसे कहने लग गया। सरपंच बैठा, मैं एक दिन चर्चा करने लग रहे थे मोदी और न्यू को, मैं काका कि हमने तो 3-4-5 हजार रुपए दे दिए किसानों को, क्या ये बात सही नहीं कि आपके जेब में से 25,000 रुपए किले के बीजेपी ने टैक्स से निकाल लिए। आप कहोगे बेटा वो कैसे, अभी फड़ा के दिखाऊंगा उनमें से 2/3 आपके सामने। जब कांग्रेस का राज था, जब रणदीप था, 2014 तक 56 रुपए लीटर डीजल हुआ करता था जनाब, आज वही डीजल 95 तक जा लिया, परंतु आज 90 से 1 रुपया कम है। औसत आप 92 भी मत लगाओ, 90 की लगा लो कम करके पिछले 5 साल की, तो 34 रुपए बढ़ गया। 56 में से 90 में से 56 गए 34 बढ़ गए। एक सीजन में हम 300-350 लीटर डीजल तो इस्तेमाल कर लेते, जाहिर बात हो। नैन साहब जरा पढ़ाइए, 350 पंडित जी, 34 रुपए को 350 से गुणा करिए, 11,912 रुपए तो ये हो गए जो फालतू निकाल दिए हमारी गोद। यूरिया का कट्टा 50 किलो का आता था, युग युगांतर से हम बाड़ा के, हम तब से देखते आए, क्यों बाप दादा परदादा लेके आया करते थे तब की, जब से यूरिया बनी। ये पहली सरकार है इसने 5 किलो यूरिया चोरी कर ली, बताओ मेरी बात सही नहीं होगी। अरब मोदी नहीं होगा, 5 और चोरी करूंगा, 40 का करूंगा, रेट को ही नहीं घटाया, रेट वही है। डीएपी का कट्टा जब अपना राज गया कांग्रेस का, कितने रुपए का था साहब, 900 रुपए का था, सही है जी, गलत हो तो आप बता सकते हो। आज कितने का जनाब, बताओ जनाब कितने का, 1350 का, आज 1350-1450 बढ़ गए। 5 किले वाला जो मीडियम या छोटा जमींदार है, मैं दो कट्टे डालता हूँ, 1.5 भी डाल देता हूँ, 2 भी क्यों, थोड़ी रखाली कम करता हूँ, राजनीति का काम ज्यादा है तो आदमी सोचता फसल ठीक हो जाए, परंतु कमजोर से कमजोर जमींदार भी एक किले में 1 कट्टा तो डालता है, ये तो मेरी बात सही होगी। तो 1 किले में अगर 1 कट्टे पे 450 बढ़े, 5 किले में कितने बढ़े, 225, 200 छोड़ दे, 2,000 और मिला ले, 12,214,
पहली सरकार है जिसने आपकी खेती पे टैक्स लगाया। अपने हल्के के अंदर क्या किया? रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बात का गवाह है आपका, कभी ज्यादातर इस यहाँ पे और नहीं तो दूसरी कोने में, नहीं तो इस कोने में। हर 90वें दिन जब तक मैं एमएलए था, हर 90वें दिन गांव में मैं जलसा किया करता था। आप सारे उसमें आते, आप सारे मुझे बताते, बेटा ये काम करना, ये काम करना। वो गरीब आदमी थे, वो वाल्मीकि समाज के हमारे भाई थे, वो रविदास क्या समाज के थे, वो बैकवर्ड वाले थे, वो जर्नल वाले थे। चूवरमा जी अपना कितना झगड़ा हुआ करता, ये नहीं दिया तो ये दे इतने पैसे दे। 1.5 करोड़ रुपये से कम कभी आपने, मैं 90 दिन में जब आया करता था, से कम की ग्रांट कभी दे के गया हूं। तो जो आप चोर की सजा कहोगे और रणदीप की सजा, कभी आप भी सरपंच रहे, दूसरे भाई भी सरपंच रहे, कभी 1.5 करोड़ रुपए से कम कभी अपने गांव के अंदर ग्रांट नहीं। जब मैं हट गया, इसके मैं हार गया जब और लीलाराम बन गया, तो मैं फिर सारे गांवों में चेक करा। तो मैं तो जलसे करूं, मैं तो कौन से रुपये मेरे पास है, हम तो कुर्डी पे बैठे। परंतु भाई चलो, जो एमएलए उसकी तो ड्यूटी होगी, 3 महीने में नहीं आता होगा, 90 दिन में 4 में आ जाता होगा, 5 बांधा होगा। मैंने पता करा, कभी जलसा करा, कभी दोबारा मुड़कर आया नहीं। पर्ची लेके जब से गया उसके बाद कभी दोबारा नहीं आया, ना रामपड़ मलिक आया जिसको पर्ची दी थी हमने, ये उसको इतनी पर्ची नहीं देते, मैं ही नहीं जीत जाना, माफ करना। हाँ वो तो मेरा इलाज बांधने के लिए, वो तो मेरा इलाज बांधने के लिए खड़ा करा था बीजेपी ने, रणदीप का इलाज बन जाएगा। सच्ची खरी बात है, कैसे खरी को सर सुखी रहो है जी। तो इसलिए उन्होंने कर दिया था, कोई बात नहीं। अगला भाई भी है, उसका भी अख्तियार है, हमें क्या इतराज है, वो तो लोगों ने फैसला कर लिया। लीलाराम का बाग में था, वो बन गया। परंतु मैं ये कह रहा हूं, दोबारा मुड़ के नहीं आए। अपना जो एमपी है, 2 बार बीजेपी के एमपी बन लिए, पहले राजकुमार बना, फिर नायब सिंह बने, और ये वो मुख्यमंत्री भी बन गया। जिनका बंदा मुख्यमंत्री बन जाए, उनके तो बटोड़े भी रुपयों के हो जाते हैं। यहाँ चबन्नी नहीं देकर गए आप, ना कभी दोबारा मुड़ के आया पर्ची लेने के बाद, कभी मुड़ के आया हो तो बताइए। तो ये मुख्यमंत्री से ऊपर और के पैड़ी लगाओगे हम इनके, बीजेपी वालों, तब 10 साल से इनका राज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका, केंद्रीय मंत्री इनके, एमपी इनका बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, प्रदेश में मंत्री बीजेपी के, वो कमलेश डांडा हमारी बेटे हो, कोई दूसरा साथी हो, मुख्यमंत्री इनका, पहले कट्टर अब नायब सैनिक, जिला परिषद इनकी बीजेपी की, पंचायत समिति बीजेपी की, बैंक के डायरेक्टर बीजेपी के, और नगर पालिका कैप्टन वाली बीजेपी, और राम के तो पैड़ी कोई लगा नहीं सकते, लोग सारी चीजें उनको दे रहे हैं। परंतु 10 साल के बाद कैथल हल्के में, चलो कैथल से बांस आती है उन्हें रणदीप की वजह से, आपकी वजह से, किसी और हल्के में, तलायत में, पुंडरी में, गुला चीपा में, वो एक काम करा, 10 साल में एक काम को कराओ। रणदीप की तो आपको हर ईंट उठा के देखोगे, रणदीप की बढ़ाई हुई अपने हल्के में मिलेगी आपको। परंतु एक काम उन्होंने कोई करा हो, चारों एमएलए उनके दही भी, एक उनका बाज गया वो अलग बात है, परंतु चारों ही एमएलए उनके पास थे, मंत्री उनके पास थे, चेयरमैन उनके पास थे, जिला परिषद पंचायत समिति उनके पास थी, कोई उन्होंने डक्का तोड़ के दिखाया हो। इसलिए मेरे काका ताऊ भाइयों बड़े बुजुर्गो, एक दरख्वास्त है नौजवान साथियों, एक एक वोट जो देके हम सुशील गुप्ता को जिताएंगे, सवाल सुशील गुप्ता का नहीं, सवाल देश की सरकार बनाने का, हरियाणा की, हिंदुस्तान की सरकार में मैं आपकी हिस्सेदारी करवाने का मेरा वचन है, अपना एमपी बन के जाएगा।